सुंदरपुर जंगल में टुनटुनी चिड़िया ने एक दरख्त की शाख पर अपना घर बना रखा था, जहाँ वो अपनी बेटी के साथ रहती थी। जंगल में उन दिनों सख्त गर्मी पड़ रही थी। मेरी बच्ची, अभी तो बारिश के मौसम के आने में बहुत समय बाकी है। तुम ऐसा करो, इधर मेरे पास आओ और खिड़की में खड़ी हो जाओ। यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तुम्हें कुछ सुकून मिलेगा। इस तरह वो दोनों माँ बेटी नदी के किनारे जाती हैं और वहाँ देर तक बैठी रहती हैं। इस तरह नदी के किनारे जाकर बैठना उनका मामूल बन जाता है। एक दिन इसी तरह जब वो नदी के किनारे बैठी हुई थी, तो अचानक जोर से बारिश होने लगती है। सारे पक्षी बारिश को देखकर खुश हो जाती हैं, लेकिन कुछ समय बाद बारिश बजाय रुकने की और तेज हो जाती है। मेरे ख्याल में हमें घर चलना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बारिश ने तूफान का रूप ले लिया है। अगर हम जल्दी घर ना गए तो इस तूफान में किसी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। ये कहकर वो दोनों जल्दी से अपने घर को लौटती हैं, लेकिन आगे आकर देखती हैं कि उनका घर टूट गया था। मम्मा, मम्मा, यहाँ हमारा घर था, तो कहाँ गया? ओह, ये क्या हो गया? बारिश में हमारा घर टूट गया है। बारिश ने जहाँ गर्मी से राहत दी है, वहीं हमारा घर भी तोड़ दिया है। अपनी बेटी को लेकर इस तेज बारिश में कहाँ जाऊंगी? फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ बारिश में छुपने की जगह तलाश करने लगी। इतने में सुंदरी को कालू अंकल का घर दिखाई दिया। लेकिन कालू कौवे ने दरवाज़ा ना खोला। फिर बहुत देर तक वो दोनों इसी तरह बारिश में घूमती फिरती रही कि अचानक उन्हें एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। वो दोनों उस कुटिया के अंदर चली गई, लेकिन उस कुटिया में जगह बहुत कम थी। वो मुश्किल से माँ बेटी वहाँ पर खड़ी हो पाई। वो कुटिया एक बूढ़े चील की थी, जो उन्हें देखते ही बोला, क्या हो गया है? क्यों तुम दोनों परेशान हो? चील जी, इस बहुत की बारिश में हमारा घर टूट गया है और मैं और मेरी बेटी बेघर हो गई है। हमें आज रात रुकने के लिए कोई थोड़ी बहुत जगह चाहिए। लेकिन मेरा घर बहुत छोटा है, तुम यहाँ रात नहीं गुजार सकती। ऐसा करो, ये चौदोई मिट्टी ले लो और जैसा चाहो घर बना लो, और जो बारिश में भी नहीं टूटेगा। इस तरह टुनटुनी चिड़िया वो चौदोई मिट्टी ले आई और उससे उसने खूबसूरत सा घर बना लिया, जहाँ वो और उसकी बेटी हंसी खुशी रहने लगी।